अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर, कैसे हैं आप लोग सब। और ये था सुबह का टाइम, मैं सुलेमान के लिए लंच बना रही थी और ये है बर्गर पेटी, तो इसके लिए मैं सैंडविच बना रही थी और साथ में ये कह रहा था मामा मुझे स्ट्रॉबेरीज दीजिएगा, तो बस अभी मैं इसके लिए सैंडविच बनाऊंगी और बस यही कैचअप लगा के, और ये चीज़ है स्लाइस चीज़, बर्गर पेटी रख के और कैचअप के साथ खीरे रख के इसका मैं सैंडविच बनाती हूँ। और बस इसको मैं लंच तैयार करके दूंगी, इनके बाबा का लंच रेडी है। और ये था सैंडविच रेडी हो गया था, ये मैंने 3 स्लाइस का बनाया था, एक में मेयोनीज, केचप और ये सब चीज़ें करके, और बस इसको स्ट्रॉबेरीज रख के दूंगी साथ, और बस इसका हो गया लंच रेडी। और अभी स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा सो जाऊंगी 11-12 बजे तक। और जी ये सुलेमान को मैं ले आई थी स्कूल से, और अब देखेंगे, मैंने ना फ्रीज़र में 2 दिन से पराठे नहीं बन रहे थे तो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था आटा कि ख़राब ना हो, तो फ्रिज में निकाल के सुबह मैंने रखा था, तो देखें अभी तक डिफ्रोज नहीं हुआ, बस साइड साइड से थोड़ा थोड़ा मैं ले रही हूँ इससे, और साइड साइड से लेकर बस 2 पराठे बनाने हैं। ये देखें अभी भी पूरी बर्फ़ जमी हुई है, तो बस अभी मैं 2 पराठे बनाऊँगी साइड साइड से ले कर और बाकी को भी फ्रिज में रख दूँगी। बस अभी ये मैं नाश्ता रेडी करती हूँ और बस ये चाय भी रख दी है, साथ में मैं ऑमलेट बना लूँगी। और चलें जी, नाश्ते के बाद आपसे मिलती हूँ। और जी ये हो गया था नाश्ता रेडी, और ये देखें सुलेमान स्कूल से आते साथ ही टैब में लग गया था, तो बस अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। और बस इशाल गए, अभी भी सही बहाने शुरू हो गए, मामा मुझे भी फ़ोन चाहिए फ़ोन चाहिए। और ये देखें आज है 14 फेब, वैलेंटाइन था, तो ये मैं दोपहर को, मेरे हस्बैंड आ गए थे जल्दी हाफ़ डे लेकर, तो बस मैं स्ट्रॉबेरी शेक बना रही थी। उसके बाद हमें जाना था, कहाँ जाना था ये भी आपको बताती हूँ, हमें जाना था डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट ली हुई थी, स्किन स्पेशलिस्ट थे। आपको पता है मेरे हस्बैंड के मुँह में कुछ हो गया था, छाला वगैरह ज़ख़म, तो वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो फिर हमने कहा स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएँ, तो बस अभी वही बना के हम लोगों को जाना था। और ये हो गया था स्ट्रॉबेरी शेक रेडी, ये सुलेमान के लिए निकाल लिया था, और बस अभी मैं और हस्बैंड पियेंगे। इशाल ने अभी नाश्ता किया तो वो नहीं पी रही। और हम लोग पहुंच गए थे हॉस्पिटल 4:15 बजे हम लोग आ गए थे, और नंबर था 12, और अभी तो चल रहा था 4 नंबर, इतना स्लो डॉक्टर देख रहे थे कि बाहर इतनी देर वेट करते करते मेरी तो बैठ बैठ के अजीब सी हालत हो गई। गर्मी भी बहुत हो गई है, आपको पता है कराची में गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बस हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। मैं दोपहर को ब्लैंकेट जो है ना भिगो के चली गई थी, टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो कब से भीगा हुआ है, तो अभी मैं इसको पानी के नीचे रखा है ताकि एक्स्ट्रा पानी सब निकलता रहे। मैं इसको पाँव से करके धोऊँगी, इतना थक भी गई थी लेकिन ये काम भी ज़रूरी है। मैंने बोला पूरी रात रखा रहेगा, कहीं स्मेल ही ना आ जाए ब्लैंकेट में, तो अभी मैं इसको धोऊँगी पानी से पाँव से। और जी ये था नेक्स्ट डे, देखिए मैंने जो गार्लिक भिगो के रखा हुआ था ये बस थोड़ा थोड़ा मैं छील रही थी, आज मेरे पास थोड़ा टाइम था, हालांकि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, लेकिन मैंने कहा इसको छील लूँ ख़राब हो जाएगा, तो बस मैं बहुत ज़्यादा मेरी 2 दिन से तबीयत, 2 दिन से नहीं कल से सोच सोच के इतनी तबीयत ख़राब। एक तो दुनिया वाले आपको जीने नहीं देते, ख़ास तौर पर ससुराल वाले। और अगर आप लोग चैन से रहना भी चाहें अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके इर्द गिर्द कि वो आपको सुकून से, ज़हनी तौर पर सुकून से जीने नहीं देते, आपको टेंशनें दे दे के भले से आपकी जान भी निकल जाए, लेकिन वो लोग अपने तानों से और उससे बाज नहीं आते, तो बस ससुराल वालों की वजह से जो है ना इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको बच्चों की और हस्बैंड की वजह से इतना ज़्यादा मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता डिप्रेशन से, जितनी भी फजूल और छोटे दिमाग छोटे जहन के जो लोग होते हैं उनकी वजह से सारी बहुत, मतलब ज़्यादातर तो होते ही हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं ससुराल वाले जो अच्छे होते हों और मतलब आपकी फीलिंग्स को और आपकी अच्छाई की कदर करें, ना तो उसको भी बुराई में लें। लेकिन हम लोग जितना भी दरगुजर करना चाहें बातों को, बातें माइंड में आती रहती हैं, बस अल्लाह पाक ऐसे मुनाफिक लोगों से और ऐसे हसद करने वालों से और आपकी खुशियां ना देखने वालों से अल्लाह पाक बचाए रखे तमाम लड़कियों को। और शौहर के साथ साथ ससुराल वाले का भी अच्छा होना, आपकी खुशी में खुश होना, आपकी अच्छाई को बढ़ चढ़ के
मतलब कबूल करना, आपकी बुराइयों को आपको प्यार भरे लहजे में समझाना, ये बहुत कम लोग करते हैं। और मुनाफिक लोगों से तो अल्लाह बचाए जो आपके मुंह पे आपके और दूसरों के मुंह पे आपकी वही बुराइयां और आपकी अच्छाई को बुराई के साथ लपेट के बयान करना। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों से तो अल्लाह बचाए, दुश्मन फिर भी सही होंगे जो ये, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो बस अल्लाह पाक सब लड़कियों के नसीब अच्छा करे, हमारे बच्चों के भी, और बस अच्छा शौहर, सपोर्ट वाला, अच्छा सपोर्ट करने वाला, फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग, ऐसा अल्लाह पाक सब लड़कियों को ससुराल दे कि वो अपनी बीवी के लिए, अपनी बीवी की सही बात के लिए स्टैंड ले सके। तो बस आप लोग भी मेरे लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए भी, कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे, ज़हनी तौर पर अल्लाह पाक सकून दे सबको। ज़हनी सकून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आप जितने भी आपके पास सब कुछ है और आपके पास ज़हनी सकून नहीं है, मेरा तो मानना यह है कि आपके पास दुनिया जहान की नेमत है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास अगर ज़हनी सकून नहीं है ना, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए बेकार हैं। इसलिए कि आप जितना भी खुश रहने की कोशिश करें, जितना भी अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करें, वो नहीं हो सकता। बस हम सब के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करे, ऐसे लोगों से बचाए, और बस ज़हनी सकून दे। और जब भी मेरा दिल उदास होता है, कुछ होता है, मैं कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूरतुल बकरा पढ़ती हूँ ताकि अल्लाह पाक शयातीन से और हसद करने वालों से, नज़र लगाने वालों से अल्लाह पाक हमेशा बचाए रखे। तो आप लोग भी इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने मुंह में भी अल्लाह का विर्द रखें, और मेरे लिए भी प्लीज़ आप लोग ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक बस फजूल की सोचे मुझे जहन से हटा दे, बर्दाश्त करने वाला बना दे, और अल्लाह पाक इन दुनियावी फालतू चीज़ों से हटा के अल्लाह पाक अपने ज़िक्र का पाबंद, नमाज का पाबंद बना दे। आमीन। चलें जी, अब हो गई बहुत बातें, और अब मैं धो रही थी दूसरा ब्लैंकेट। तो ये मेरा पुराना वाला घर रूम है, उसका वॉशरूम था, तो ये मेरे किसी ने आज अक्ल दी कि इस तरह टप में डालकर भिगो के रख दूँ, फिर मैं अब इसके ऊपर फिर चढ़ चढ़ के और ऐसे इसको मैं फिर कपड़ा जो मैंने फंसाया हुआ है इसमें वो हटा के फिर इसको मैं खंगालती रहूँ, तो इस तरह ईजीली धुल जाएगा। तभी मैं वही करने वाली, इसको मैं भिगो के छोड़ रही हूँ, तो बस इसको मैं भिगो के छोड़ दूँगी थोड़ी देर, फिर फारिग होके तो बस फिर मैं इसको कंप्लीट करूँगी ताकि ये भी एक दो दिन तक सूख जाए और मैं इसको संभाल के रख दूँ। सबसे मुश्किल काम है, इतना भारी हो जाता है ब्लैंकेट, तो बस मैं अब इसका पानी भी निचोड़ने का इंतज़ार करूँगी, तब हल्का हो जाएगा, तब मैं इसको रस्सी पर बिछाऊँगी। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे धोते हैं ब्लैंकेट, कोई ड्राई क्लीनर को देता होगा, लेकिन मैं अब इस बार खुद जी मैं बनाई थी खिचड़ी, तो मैं आज इसको भी तड़का लगा रही हूँ, ये देसी घी है, इसमें थोड़ा सा प्याज ब्राउन करके ज़ीरा वगैरह का तड़का लगाऊंगी। और किसी ने मुझसे मैसेज में कहा था कि आप हस्बैंड के लिए क्या कुकिंग कर रही हैं, तो प्लीज़ वो शेयर करें। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड का मुँह सही कर दे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो बस आजकल इनका यही दलिया, खिचड़ी और बस यखनी वगैरह चल रही है, सच में कुछ बना नहीं रही हूँ कि इनका मुँह में तकलीफ़ है, वो खा नहीं सक रहे इस तरह की चीज़ें। तो बस आप लोग अपनी दुआओं में भरपूर हमें याद रखिएगा कि अल्लाह पाक हमारे लिए भी, आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। तो बस अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, हल्का सा इसको ब्राउन करके इसमें ज़ीरे को डाल के थोड़ा सा भून के मैं तड़का लगा दूंगी खिचड़ी पे, और साथ में मैंने फ़िश की है खाली, उसमें ब्लैक पेपर और नमक डाल के बस मैं इसको शैलो मतलब स्टीम पर ही पकाऊंगी फ़िश को भी। और बस ये सिंपल से हम लोग खाएंगे आज फीका खाना, इसलिए कि सुलेमान का भी पेट सही नहीं है और उनके बाबा का भी मुंह सही नहीं है, तो बस फिर मैं अपने लिए तो कुछ ऐसे बनाती नहीं हूँ, जो होता है साथ साथ खा लेती हूँ चटनी अचार के साथ। तो बस ये है आज का, ये तरह भी खिचड़ी मैंने ये पतली पतली बनाई है ताकि ईजीली खा सकें दोनों। और बस अब इसको तड़का लगा दूँगी मैं, ये हो गए थे प्याज ब्राउन, और बस अब मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी भी, ये देखिए इसमें पानी हो गया था फुल, गर्म पानी मैंने भर दिया था ताकि अच्छी तरीके से कंबल सॉफ्ट हो जाए, अच्छा साफ़ सुथरा धुल जाए। तो बस अभी मुझे इसमें सर्फ भी कम लग रहा है, अभी मैं इस पर पाँव से चढ़ूँगी, हाँ अभी देखती हूँ, सर्फ भी मुझे कम ही लग रहा है, पानी ज़्यादा भर गया है तो।
ये देखें झाग भी नहीं निकल रही है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मुझे और सर्फ डालना पड़ेगा, अभी तो कम झाग है। अभी इसको मैं थोड़ा सा और सर्फ डाल के, तो अभी मैं इसको थोड़ी देर और सोख करके रख दूँगी जब तक मैं नमाज़ पढ़ के खाने वाने से फारिग हो जाऊँ, फिर इसको देखूँगी। अभी मैं ला रही हूँ सर्फ और इसमें मैं डालूँगी सर्फ थोड़ा सा। तो अब देखें ये वाला एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है, पहली दफ़ा इस तरह कंबल धो रही हूँ मैं, नहीं तो पहले हमेशा ड्राई क्लीन को देती थी। इस बार मैंने बोला चलो खुद धो कर देखती हूँ, बस काम करने का जोश आया हुआ होता है। आजकल परेशान हूँ मैं थोड़ी सी, आपको मैंने इतनी लंबी हिस्ट्री सुना दी है तो मैंने कहा चलो ज़रा काम पर ध्यान दूँ ताकि मेरा माइंड ये चीज़ों में ना रहे, टेंशन ना लूँ। रो रो के दो दिन से बुरा हाल हो गया तो मैंने कहा चलो अब काम कर लूँ ताकि थोड़ा सा माइंड भी मेरा इस तरफ ही लगा रहे काम की तरफ। तो अब ये देखिए मैं इसको दबा के थोड़ी देर छोड़ दूँगी भिगो के, ताकि थोड़ा सा मैल वैल इसकी निकल जाए सारी। और ये जी मैंने रख दिया है इसको मछली को, इसको खिचड़ी तो आपके सामने मैंने आपको बता दिया, तो तड़का लगा के बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और अब बस ये भी तैयार है। इसको बस स्टीम में मैं थोड़ी देर पकाऊंगी और बस फिर उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। अब नमाज़ वग़ैरह पढ़ लूँगी जब तक, और बस खाना खाकर फिर उसके बाद कंबल को और फिर बच्चों को खाना खिलाना, बस यही लगा रहेगा। और आप लोग प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।